हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन तैयार करने की और बाद में प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज के अंदर, एम्प्लॉयज़ को उनकी ऑफिसेज के अंदर, कस्टमर के सामने कभी कभार प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के समय के अंदर प्रेजेंटेशन का जो इस्तेमाल है वो बहुत बढ़ गया है। पहले के समय के अंदर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन आजकल हर एक जगह के अंदर लोगों को विजुअल्स के साथ और ऑडियो के साथ बातों को बताया जाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी और कंपनी का। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार करते समय और उसे डिलीवर करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको 5 टिप्स दूंगा। इन 5 टिप्स को आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करने में और डिलीवर करने में हेल्पफुल हो सकता है। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हमारे कॉन्टेक्ट्स को पब्लिक स्पीकिंग के लिए टिप्स भेजते हैं। हम WhatsApp के ऊपर वो टिप्स को भेजते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स चाहते हैं तो आप अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर हमें भेजिए, हम आपको पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स भेजेंगे। साथ साथ हम हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब नाम के सेक्शन के अंदर हर कुछ दिनों के अंदर पब्लिक स्पीकिंग के क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट करते, एक प्रकार की क्वीज जो होती है वो रखते हैं। तो आप भी वो जो क्वेश्चन है उनका आंसर कीजिए, आंसर आप बताइए, ताकि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो और अच्छी हो सके और हम भी आपको इसका आंसर बाद में देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको 5 टिप्स जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली जो टिप है वो है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल मिनिमम जब 10 लोग होते हैं तभी कीजिए और मैक्सिमम 400 लोग है तब तक ही कीजिए। मतलब कि जब आपके सामने कम लोग बैठे हुए हैं, 10 से कम लोग हैं, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलेगा। और जब आपके सामने ऑडियंस 400 से भी ज़्यादा है, लोग जो है वो बहुत सारे आपके सामने मौजूद है, उस वक्त जो सारे लोग हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को नहीं देख पाएंगे। इसलिए इतनी सारी ऑडियंस के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल मत कीजिए। ये सबसे पहली टिप हुई। दूसरी टिप, आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर लोगों को इंडेक्स, उसे आउटलाइन में कहूँगा, ये बताइए। और साथ साथ में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करें उस इंडेक्स के अंदर वो भी लोगों को अपडेट कीजिए। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि जब भी आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शुरुआत की स्लाइड्स बना रहे हैं उसमें आप इंडेक्स को भी रखिए, आउटलाइन को भी रखिए, कि जिसके अंदर आप आगे कौन से टॉपिक के बारे में उनको डिटेल में बताने वाले हैं या ब्रीफ में बताने वाले हैं वो टॉपिक्स को मेंशन कीजिए। एक प्रकार के इंडेक्स जो है उसे तैयार कीजिए ताकि ऑडियंस को शुरुआत से ही पता चल पाए कि आप उनको पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर किन किन टॉपिक्स के बारे में बताने वाले हो। साथ साथ आप जैसे जैसे टॉपिक्स को कंप्लीट करें तो वो टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक डायग्राम जो है वो स्क्रीन के ऊपर रखिए कि जिसके अंदर बताइए कि अब तक किन किन टॉपिक्स को हमने कवर किए। उन सारे टॉपिक्स को आप हाईलाइट कर दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल सके कि यहाँ तक जो है वो टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और बाकी के ये जो टॉपिक्स है वो अब स्पीकर कवर करेंगे। तो ये दूसरी टिप हुई कि ये आप कर सकते हैं। तीसरी टिप, आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छी फॉन्ट टाइप और फॉन्ट साइज का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको पर्सनली ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो फॉन्ट टाइप है वो कैलिबरी, उसका इस्तेमाल कीजिए, और जो फॉन्ट साइज है वो आप 11 की रखिए, 11 की रखिए। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस है तो जो फॉन्ट की साइज है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वो फॉन्ट की साइज को हम 12 कर सकते हैं जिससे सब लोग उसे देख पाए। तो ये फॉन्ट टाइप कैलिबरी होनी चाहिए और फॉन्ट साइज 11 या 12, सिचुएशन के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीसरी टिप हुई। चौथी टिप कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर सिर्फ अपर केस का इस्तेमाल मत कीजिए। आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अपर केस और लोअर केस ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखकर इस फॉन्ट का इस्तेमाल कीजिए।
क्योंकि ज्यादातर जो अपर केस का इस्तेमाल होता है वो इसलिए हानिकारक है, इसलिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस जो होती है वो उसे आसानी से नहीं पढ़ पाती है। अगर ऑडियंस को आप इजीली वो लोग पढ़ सके ऐसा चाहते हैं तो अपर केस और लोअर केस ये दोनों तरीके के केसेस का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर केस मतलब कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। तो ये जो चौथी टिप है अपर केस और लोअर केस की, इसे भी याद रखिएगा। और पांचवी और आखिरी टिप जो है वो ये है कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो बता रहे हैं वही चीज आप अपनी स्लाइड के अंदर रखिए। आप जो आगे बताने वाले हैं वो लाइंस को स्लाइड के ऊपर मत रखिए। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहूंगा कि आप फॉर एग्जाम्पल कि पांच जो पॉइंट्स है वो आप स्लाइड के ऊपर रख के उनको समझाना चाहते हैं, तो आप पांचों के पांचों पॉइंट्स को तो साथ में नहीं समझाएंगे, एक के बाद एक पॉइंट को समझाएंगे। तो आप स्क्रीन के ऊपर भी एक पॉइंट रखिए, फिर वो आप एक्सप्लेन कर ले, उसके बाद ही दूसरा पॉइंट रखिए। तो इस तरह से पांचों के पांचों पॉइंट्स को स्क्रीन के सामने मत रखिए, स्क्रीन के ऊपर मत रखिए, लेकिन उसको एक के बाद एक जैसे जैसे आप पॉइंट को कंप्लीट करें वैसे स्क्रीन के ऊपर रखते जाइए। तो ये पांचवी टिप हुई। दोस्तों मैंने आपको ये पांच टिप्स दी कि जिन पांचों टिप्स को फॉलो करके आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से डिलीवर भी कर सकते हैं। ये जो बात हुई वो सबके लिए है, जनरल चीजें हैं। अगर आप भी अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को तैयार करने में कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हम आपको पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो जो भी चीज़ें आती है उनको डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको हमारे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको समरी देना चाहूँगा। मैंने आपको पाँच पॉइंट्स बताए। सबसे पहला पॉइंट बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल तभी कीजिए कि जब मिनिमम 10 लोग है और मैक्सिमम 400 लोग है। दूसरी मैंने आपको जो टिप दी वो दी कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर आउटलाइन बनाइए, इंडेक्स बनाइए, और जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स को चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं तो डायग्राम के माध्यम से बताइए कि अब हम कहां पर पहुंचे हैं। ये दूसरी टिप हुई। तीसरी जो टिप है वो है कि फॉन्ट की जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का जो टाइप है वो कैलिबरी रखिए, और फ़ॉन्ट की साइज जो है वो आप 11 या 12 रख सकते हैं। चौथी टिप मैंने आपको दी कि फ़ॉन्ट जो है वो आप सिर्फ अपर केस का ही इस्तेमाल मत कीजिए, अपर केस का और लोअर केस का दोनों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अपर केस लोगों को पढ़ने में वो जो चीज होती है वो डिफिकल्ट होती है। ये चौथी टिप हुई। और पांचवी टिप कि जो जो चीजें आप बता रहे हैं वही चीज की लाइन जो है वो आप या फिर बुलेट पॉइंट्स जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर रखिए। आगे जो बताने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स को स्क्रीन के ऊपर नहीं रखने हैं। जैसे जैसे पॉइंट को हम खत्म करेंगे वैसे वैसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो दोस्तों ये थी पांच टिप्स की जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए पब्लिक स्पीकिंग के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।